देंगे। इस वक्त ऋतिक रोशन के घर में जो फिल्म चल रही है उसके आगे तो फिलहाल सभी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म्स फेल होती नजर आ रही। ऋतिक की फैमिली पर बेस इस रियल लाइफ स्टोरी के मुख्य किरदार हैं सुनैरा रोशन, ऋतिक की सगी बहन, जिनका दावा है कि उनको अपने ही परिवार से यानी रोशन फैमिली से खतरा है। सुनैरा ने सबसे पहले अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी फैमिली की वजह से जहन्नुम जैसी जिंदगी जी रही है। उनके भाई ऋतिक और मम्मी पापा ने भी उनसे रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन असली खबर तो ये निकली कि ऋतिक की बहन सुनैना के एक मुस्लिम जर्नलिस्ट से अफेयर के चलते ये सारा का सारा मामला शुरू हुआ। सुनैना का कहना है कि चूंकि मैं एक मुसलमान को डेट कर रही थी इसलिए मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा। पापा ने कहा कि रोहेल एक टेररिस्ट है जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यानी इस वक्त ऋतिक की बहन बिना किसी सपोर्ट के अकेले ही अपने हालातों से जूझ रही है। लेकिन मामला ऋतिक से जुड़ा हो और कंगना रनौत दखल ना दे ऐसा मुमकिन नहीं। इस फिल्म की दूसरी बड़ी मुख्य किरदार है कंगना रनौत, जो ऋतिक की बहन सुनैना का पक्ष ले रही है। कंगना सुनैना के मामले में पूरी तरह से शामिल हो चुकी है और अपनी बहन रंगोली से ट्वीट करवाकर कंगना ने इस खबर को और बड़ा बना दिया। दरअसल सुनैना ने जब से ये लिखा कि वो कंगना की हर बात से इत्तेफाक रखती हैं, कंगना को ऋतिक के घर के मामले में बोलने का मौका मिल गया। सुनैना पिछले एक महीने से रोज फोन करके अपनी आप बीती सुना रही है। सुनैना ने रोते हुए बताया कि न सिर्फ उनका परिवार उन्हें बेरहमी से पीटता है बल्कि उन्हें ड्रग्स पर भी रखता है। ऋतिक सुनैना के मामले में कंगना की इस तरह की बातें चौंकाने वाली हैं, लेकिन इन सभी आरोपों को गलत करार देते हुए ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन यानी फिल्म के तीसरे किरदार की एंट्री होती है। ऋतिक सुजैन के बीच क्या साजगांठ चल रही है ये तो पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर सुजैन ने ऋतिक के बचाव में ये जरूर लिखा। इस वक्त सुनैना के पिता एक बड़ी बीमारी का शिकार बने हुए हैं, उनकी मम्मी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में मुश्किल दौर से गुजर रहे इस परिवार को उनके हालातों पर छोड़ दें। कहानी के आखिरी और सबसे मेन कैरेक्टर हैं सुनैना के भाई ऋतिक रोशन, जो ना जाने कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। सुनैना बोली, कंगना ने कई दावे किए, रोशन फैमिली के बचाव में एक्स वाइफ सुजैन उतरी, लेकिन मिस्टर रोशन अब तक खामोश है। हमें तो लगता है कि अपनी सफाई देने से पहले ऋतिक अपनी तरफ आने वाले हर मुमकिन सवाल की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि इस बार मामला खून के रिश्तों से जुड़ा हुआ है और जूनियर रोशन के लिए बच निकलना आसान नहीं होने वाला।